है। भाई साहब इतना ही अलग चाहिए होता है तो इससे अच्छा LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट कर लेते हैं। और ये कैसा ट्रेंड हुआ भाई, इसे ये लोग डांस कंसीडर करते हैं और मैं सोचती हूँ ये कोई साला कुछ नहीं कहना चाहते उस चूते से वीडियो के बारे में, क्योंकि दोनों ही लड़का भी लड़की दोनों प्रकृति के विपरीत जा रहा है बिल्कुल। कोई सेंस है इस बात की? मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो। सिरहाना है वो तो फिर ये क्या है, ये क्या है? मूर्तियां बनाया तुमको। ये वीडियो देख के सारे सिंगल लड़के सोचेंगे हमें भी तो सोने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। अरे इधर क्या मदरी का खेल हो रहा है। और फिर ये लौंडिया कहती है कि माना कि मेरी गालियां देने से बच्चे बिगड़ रहे हैं, पर कम से कम मैं उनको प्यार में बर्बाद होना तो नहीं सिखा रही ना। हाँ, प्यार में बर्बाद होना थोड़ी सिखा रही है ये तो बस दल भतारी सिखा रही है। मित्रों ये चिमकांडी तो अपने प्रोफाइल पे भूत भगाने का मंत्र पढ़ती है। अच्छा कम से कम मैं उनको प्यार में बर्बाद होना तो नहीं सिखा रही ना। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? हाँ मतलब कि इसके इंस्टाग्राम पे आधा से ज्यादा फोटो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंह में मुंह डाले हुए हैं। वो इसने बच्चों को बिगाड़ने के लिए थोड़ी किया है। अब जब बच्चे ही ऐसे चुदाव को देख के कूल समझेंगे तो इसकी क्या गलती है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये तो मुंह में मुंह डाल के इन सीजन से कैनाइज गिन रही थी दोस्तों। क्या तुम लोग भी अब तो सच बोल दे। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ छिनक लेंगे। तू तो मार ही दिखा मुझे देख रहा है। अरे मार 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 मार। और ये दोनों बहनें एक दूसरे का लेते हुए कितना कितना फेक भाई। साला इन सबको भूलने भूलने का बीमारी है क्या? ये लोग भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है ये वीडियो। पौंदी से लेकर पौंदी तक, टिंग से लेकर टोंग तक सब देखते हैं ये जानने के बाद भी कोई इतना गांड कैसे फैला सकता है? इनको साला कोई बताओ कि ना ये घोड़ा घोड़ा खेलने की उम्र है और ना सही जगह। क्या बढ़िया था गुरु। हेलो डॉक्टर। हाय। मैंने ना यार प्रोटेक्शन यूज की थी फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई, पता नहीं कैसे। अच्छा चलो तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन ना एक शिकारी गन की जगह अम्ब्रेला लेकर शिकार पे चला गया। सामने शेर आया और उसने गन की जगह अम्ब्रेला खोल लिया एंड शेर मर गया। ऐसे कैसे हो सकता है, किसी और ने बंदूक चलाई होगी। एग्जैक्टली। खत्म शरीर मंद बुद्ध लौंडे और लौंडियों से फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पूछते तो इनका मुंह निकल जाना है। लेकिन जहाँ ये सब की बात आई तो लाइन में सबसे पहले ज्ञान बांटने खड़े होंगे ये, जैसे इनके माँ बाप ने इनको जन्म ना दिया हो, ये पहले आए हो और बाद में इनके माँ बाप। ये सब के बारे में इनसे कुछ भी पूछ दो तो इनके यहाँ यहाँ जवाब होगी। ये इनको बढ़िया करके आता है। हेलो डॉक्टर। हाय डॉक्टर। क्लास बंक करके जब घूस दे के नौकरी मिलती है ना दोस्तों तो ऐसे डॉक्टर निकलते हैं, खड़े खड़े देना पड़ता है अपॉइंटमेंट। बड़ा हरामी हो बेटा। लौंडे दांत ढंग से ना घिसे हैं। संडास जाने के बाद अपनी मम्मी को चिल्लाता होगा मम्मी हो गया आ जाओ, लेकिन इंटरनेट पे ना कूल बनना है, संभोग वाली बातें करनी है, कपल गोल्स बनाने हैं और ऐसे फुद्दू वीडियो पे लाइक्स। हम तो चूतिया। Touch it, shut up and bend over. I let your back onto the cocky no. और ये गोपी बहु कोकिला के संस्कारों में अल लगाते हुए दोस्तों। गोपी बहु आज तुमने अपनी हद पार कर दी। अब जाके मेरे को समझ आए देवर भाभी वाले जोक्स इतने क्यों ज्यादा बनते हैं। बहुत सारा मीटिंग अटेंड कर रहे थे, रसोड़े में कौन था कौन था पूछ रहे थे लोग, इतने टाइम से जिगर था दोस्तों। गोपी बहु जिगर के साथ रसोड़े में बेंड ओवर हो रही है यहाँ। अबे साले बेंड ओवर वाला ट्रेंड कर रही है यहाँ साले। ये देख रही बस कोकिला के आगे निकल के गोटी होसा गिर जाएगी जमीन पे। और राशि तो सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन लगेगी। हेलो मम्मी ये गवार यहाँ मेरे जिगर जी के साथ नाच रही है, इसको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सच बोले तो मेरे को नहीं लगता है हमको फर्क फर्क भी पड़ेगा, ये देखने के बाद भी वो बोलेगा गोपी गई माँ की चूड़ियां लाने, मैं चला जरूरी मीटिंग में। तेरे बाप का लंदन में है बीजे नी। भाई साहब इसलिए कह
कहते हैं कि जब प्रेशर बने ना तो घर से ही करके निकलना चाहिए, वरना फिर ये हाल हो जाता है। फिर लोग ऐसे वॉक का क्रेडिट अर्जुन कपूर को देने लगते हैं, लोग कहते हैं वही भालू ज्यादा खिला के भेजा होगा इसको घर से। फिर उसकी क्या गलती है दोस्तों, खाने वाले का भी तो दोष है ना, उसको भी तो सोच समझ के खाना चाहिए कि कितना खा रहे हैं क्या खा रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। गाइस आई वाज जस्ट किडिंग, दिस इज जस्ट एन एवरेज फैन ऑफ जीटीए। ये तो बस वो जीटीए वॉक चैलेंज वाला रील नहीं था, वो बना रही थी और ये साला मीडिया वालों ने न्यूज़ बना दिया। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई। इसलिए दोस्तों मैं ज्यादा सोचती भी नहीं हूँ वहां तक, और ना तुम लोग को सोचने पे मजबूर करती हूँ। और हमें क्या भाई, कोई कैसे भी चले हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, और कमेंट्स में बताओ अगर ऐसे और भी पार्ट चाहिए तो।